200 लोगों के साथ बारात घर खोलने की मांग को लेकर टेंट हाउस व्यवसायी आगे आए। नमस्कार, मैं जीशान जावेद आपके साथ, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। शादी बारात बंद मतलब बारात घर बंद, बैंड बाजा बंद, सजावट बंद, फूल माला बंद, ब्यूटी पार्लर बंद। इस व्यवसाय को करने वाले अब कहां जाएं, क्या करें? सबसे बड़ी बात, वो वेटर क्या करें जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। टेंट हाउस से जुड़े लोगों की आर्थिक हालत अब खराब होने लगी है। यही नहीं, इस व्यवसाय से कई अन्य व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं। इस व्यवसाय के बंद होने के बाद वह व्यवसाय भी बंद हो गए। जैसे बारात घर बंद, तो बैंड बाजे का काम बंद, फूल वाले का काम बंद, ब्यूटी पार्लर का काम बंद, फोटोग्राफर का काम बंद। सरकार को तत्काल ही इन व्यवसायियों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाया तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में देश में हजारों लाखों परिवार भूख से मर जाएंगे। इस व्यवसाय को करने वाला मिडिल क्लास फैमिली का आदमी होता है, न तो वो किसी से कुछ कह सकता है और न ही किसी के सामने हाथ फैला सकता है। सरकार अगर इन व्यवसायियों को संचालित नहीं कर पा रही है, तो इन व्यवसाय को करने वालों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसको लेकर हमने टेंट व्यवसाय से जुड़े विजय निगम से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। एक वास्तविकता यह है कि इस समय जो बारात घर हैं और बारात घर से जुड़े जितने लोग हैं, उनको सबको इतनी समस्याएं हैं, क्योंकि सबके जो आय के स्रोत हैं वो पूर्णतः बंद हैं और बारात घर भी पूरी तरह बंद हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आर्थिक जो सहयोग है वो किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को, जैसे फ्लावर डेकोरेशन और हलवाई हो गए, चाट फुल्की का जो ठेला लगाते हैं, व्यवसाय करते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, वो लोग हो गए, और डीजे वाले हो गए, बैंड वाले हो गए, और हमारे साथ जुड़ने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वेटर हो गए, जिनका कि किसी भी प्रकार का कोई अन्य स्रोत नहीं है जहाँ से उनको लाभ प्राप्त हो या पैसा प्राप्त हो, और बंद होने के कारण पूरी तरह से वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जैसे जो मकानों का क्षेत्रफल होता है उसके आधार पर बारात घरों का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से कम 200 आदमियों की परमिशन जारी करे, जिससे हमारे यहाँ भी छोटे मोटे प्रोग्राम होना शुरू हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पूरा पालन किया जाए। और 200 आदमी का हम लोगों के क्षेत्रफल के हिसाब से संख्या कोई ज्यादा नहीं होती है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।